प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के पाठ नंबर 5 संस्कृति और सभ्यता के विषय में जानेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। यह एक निबंध है बच्चों, जिसमें उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के बीच का एक छोटा सा अंतर हमें बताने की कोशिश की है। इस वैचारिक निबंध से लेखक ने मनुष्य के समस्त भौतिक संपदाओं को सभ्यता माना है। हम भोग विलास के जितने भी साधन इकट्ठे करते हैं, उन सभी को सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे लेखक ने रखा है, जबकि मनुष्य के अंतर्गत में निहित गुणों को संस्कृति कहा है। लेकिन जो हमारे हृदय के अंदर भाव है, प्रेम है, करुणा है, दया है, उन सभी को लेखक ने संस्कृति का नाम दिया है। यह संस्कृति ही वह है जो मनुष्यता को पशुता से विमुख करती है, जो हमें जानवरों से पृथक करती है। पाठ का समाहार करते हुए लेखक ने भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का गुणगान किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने हमारी भारतीय संस्कृति, जो कि बहुत ही गौरवमयी संस्कृति है, उसका उल्लेख किया है। भारतीय संस्कृति में विविध संस्कृतियों का समागम ही उन्हें गौरव मंडित करता है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि भारतीय संस्कृति जो है, ये बहुत सारी संस्कृतियों का समावेश है, इसीलिए यह इतनी गौरवान्वित है। तो आइए बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। संस्कृति और सभ्यता, ये दोनों दो शब्द हैं और इनके मायने भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जो संस्कृति और सभ्यता है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। तो सभ्यता से हमारी बाहरी तरक्की होती है, लेकिन संस्कृति से हमारी आंतरिक तरक्की होती है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, दया, माया और परोपकार सीखता है, गीत, नाच, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने का योग्यता हासिल करता है। तो ये जो हमारी संस्कृति है, ये हमारे आंतरिक जीवन के लिए, हमारे आंतरिक हृदय के लिए, उसकी खुशी के लिए है। एक वह भी समय था जब आदमी को घर बनाना नहीं आता था। वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खो मतलब गुफा में वास करता था, जब उसे खेती करना नहीं आता था और वह कंदमूल मतलब घास फूस या जंगली जीवों का गोश्त मतलब मांस खाकर गुजारा करता था, जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, वह तो नंगा रहता था या पेड़ की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छिपाता था, लाज मतलब अपनी इज्जत छिपाता था। तो एक ऐसा समय था जब मनुष्य को कुछ भी करना नहीं आता था, वह गुफाओं में रहता था, अपने भोजन के लिए जानवरों को मार के खा जाता था, या फिर फल तोड़ लिए, कोई भी पत्ते खा लिए, उसके पास कपड़े बुनने की क्षमता नहीं थी, उसे पता ही नहीं था, तो वो या तो पत्ते पहन लेता था या जानवरों की खाल से अपने आप को ढक लेता था। घर बनाना भी नहीं आता था तो वो गुफाओं में ही रह लेता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। तो इस समय मनुष्य जैसा जीवन जीता था वह असभ्य कहलाता था, लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यो ज्यो आगे बढ़ा, त्यो त्यो वह सभ्य होता गया। आप धीरे धीरे करके, जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, मनुष्य को पता चला कि मुझे खाना कैसे उगाना है, मुझे कपड़ा कैसे बनाना है, मुझे घर कैसे बनाना है, तो इन सब तरीकों को जानने के बाद वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उसने पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता की ओर आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ज्यादा अधिकता है, वह देश को उतना ही सभ्य मानते हैं। तो क्या है कि इंसान को धीरे धीरे करके समझ आया कि सड़कें कैसे बनानी है, मोटर कार कैसे बनानी है और हवाई जहाज का निर्माण कैसे करना है, अच्छा खाना कैसे बनाना है, अच्छा खाना कैसे उगाना है। तो ऐसे करते करते वह सभ्य होता गया। और जिस देश में ये चीजें अधिकतम होती हैं, वह उस देश को ज्यादा सभ्य माना जाता है। मगर संस्कृति इन सब से कहीं अलग है, लेकिन ये संस्कृति अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। भाई, मोटर बनाने की कला आई तभी तो मोटर बनी। तो वो जो कला आई हमारे अंदर, वह हमारी संस्कृति है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं।
सभ्यता के जरिए आप अच्छा सामान तो ला सकते हैं, लेकिन उसको बनाने की कला, उसको अच्छी तरह से प्रेम से बनाने की कला, ये हमें संस्कृति सिखाती है। लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं और जिस कला से हम उसे खाते हैं, वह हमारी संस्कृति कहलाता है। हम कितने प्यार से भोजन बनाते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं, उसके अंदर उसको किस हिसाब से पकाते हैं, ये सब हमारी संस्कृति को दर्शाता है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भाई अब आपने भोग विलास के तो सारे ही साधन जुटा लिए, आपने अच्छे कपड़े भी ले लिए, आपके पास पैसा भी बहुत है, आपका घर भी बहुत सुंदर है, आपका बड़ा सा ऑफिस है, लेकिन अगर आपके हृदय में करुणा भाव नहीं है, दया भाव नहीं है दूसरे के लिए, तो आप सभ्य तो हैं पर सुसंस्कृत नहीं है। क्योंकि अच्छे से अच्छी पोशाक पहनने वाला व्यक्ति भी तबीयत से नंगा हो सकता है, और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। संस्कृति धन नहीं गुड़ है। तो संस्कृति हमारा, सभ्यता तो हम धन से बना लेते हैं, लेकिन संस्कृति तो हमारे गुणों से ही बनती है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। तो हमारे अंदर का विनय, हमारे अंदर की विनम्रता, दया भाव, करुणा भाव, यही हमारी संस्कृति को दर्शाता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय भैंस बैल घोड़े हाथी मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हम सभ्यता के सबूत हैं, जिससे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और भारी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की हैं। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि सभ्यता के जरिए हम अपने लिए सामान तो एकत्रित कर लेते हैं, भोग विलास का सारा साधन आ जाता है, सुख सुविधाओं के लिए सब चीजें हम ले लेते हैं, लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर से दिखाई नहीं देती। लेकिन संस्कृति हमारी दिखाई नहीं देती, ये सारी चीजें, ये सुख सुविधा की सारी चीजें लोगों को दिखाई देगी, लेकिन हमारे अंदर निहित हमारी संस्कृति ये लोगों को दिखाई नहीं देती। वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी होती है और वह हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी होती है। तो हमारी आदतें, हमारी पसंद, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सब दिखाता है कि हमारी संस्कृति कैसी है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, ये हमारी संस्कृति बताती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो, ये हमारी संस्कृति बताती है। तो हम कैसा मकान बना रहे हैं, उस मकान का नक्शा कैसा होना चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति में निहित है। हम कपड़े से पोशाक कैसी बनाते हैं, अच्छी पोशाक बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, सूट बनाते हैं, ये हमारी संस्कृति पे डिपेंड करता है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, हथियार बनाते हैं, वह भी हमारी सभ्यता को दर्शाता है। लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं, यह बतलाना संस्कृति का काम है। तो संस्कृति जो है वो नरसंहार नहीं चाहती, संस्कृति तो हमें प्रेम सिखाती है। तो वो सभ्यता से हम हथियार तो बना लेते हैं, लेकिन उन हथियारों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें हमारी संस्कृति बताती है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया आगे बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है इन बम और हथियारों का काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो देश तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, बम बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, तो ये सब हमारी सभ्यता का प्रतीक है, ये बता रहे हैं हम कितने सभ्य हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति पुकार पुकार के हमें कह रही है कि हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानवता को बर्बाद कर देंगे, ये हत्या लेकर आएंगे, ये रक्त बहाएंगे। तो जो ऐसा होने से बचाने के लिए हमारी संस्कृति हमें पुकार करती है कि हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बात और है, आदमी के भीतर जो 6 विकार, कौन कौन से विकार हैं बच्चों? काम, क्रोध, लोभ, मद मतलब अहंकार, मोह और मत्सर मतलब ईर्ष्या का भाव, वे प्रकृति के दिए हुए हैं। तो ये चीजें हमें प्रकृति से मिली हैं, मगर ये विकार अगर बोरे छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। तो हमें इन भावनाओं पर कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी को इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि उसमें विकारों को बढ़ाना नहीं, घटाना चाहिए, गुस्से को ज्यादा नहीं कम होना चाहिए, लोभ मोह मद मत्सर को भी एक हद में रहना चाहिए।
तो इंसान को अपने इन विकारों पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम और जानवर दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। तो अगर हम सुसंस्कृत हैं, अगर हमारे अंदर संस्कृति है तो हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, उसके गुणों को अधिक बढ़ाना है। तो हमारे गुणों को बढ़ाने का काम करती है हमारी संस्कृति और वही हमारे दोषों को भी वो कम करने का काम करती है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुता को छोड़कर वह जितना ही आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी होती है। तो हम भी मनुष्य भी जानवरों की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम अगर अपने इन मोह माया और लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम जानवरों से ऊंचे हो जाते हैं, हमारी संस्कृति भी ऊंची हो जाती है। संस्कृति का भाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। हमारी संस्कृति जो है दूसरों से आदान प्रदान करते हैं तो वो उसमें एक नवीनता आती है। जब दो देश या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो जब दो देश के लोग मिलते हैं उनकी आपस में संस्कृतियों का एक्सचेंज होता है तो इससे क्या होता है, इससे हमारी संस्कृति और विशाल हो जाती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश की आदत लोगों की आदत में सम जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकार किया हो। तो जब हम दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं उनकी संस्कृति को अपनाते हैं तो हमारी संस्कृति विशाल हो जाती है। तो जब हम उनके अच्छे गुणों को अपनाते हैं तो एक तो अंदर आंतरिक खुशी मिलती है, सुख मिलता है और दूसरा हमारी संस्कृति में भी विस्तार होता जाता है। जैसे बच्चों आप इस तरीके से समझो, क्रिसमस दूसरे देशों का त्योहार है लेकिन आज इसे भारत में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये हमारी ही संस्कृति का पार्ट बन गया है कि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाते हैं और जैसे दिवाली धूमधाम से हमारे देश में मनाई जाती है बाहर के देशों में भी मनाई जाती है। तो उन्होंने हमारी संस्कृति को भी ले लिया है तो उनकी संस्कृति भी विशाल होती जा रही है। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग इकट्ठे रहते हैं, वो एक दूसरे की संस्कृतियों को अपनाते हैं। हम मुसलमानों के त्योहार मना लेते हैं, हम सिखों के त्योहार मनाते हैं, हम ईसाइयों के त्योहार मनाते हैं, वो लोग भी हिंदुओं के त्योहार मनाते हैं। तो इसकी वजह से भारत की संस्कृति जो है उसमें एक नवीनता आ जाती है, एक विशालता आ जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रह रहे हैं। यही नहीं बल्कि जब हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से जो अनेक जातियां इस देश में आती रही हैं उन सभी संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभाव को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज वे सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन गई है। भारतीय संस्कृति को लोग एक आईने की तरह देखते हैं। दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को बहुत मान सम्मान से देखा जाता है, हिंदुओं को बहुत मान सम्मान से देखा जाता है, इसीलिए क्योंकि हमारी संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियों का समावेश है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई, एक नवीनता आ जाती है। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है और इन चारों मौके पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाट पैदा हुई, जो फूल खिले, वे हमारी संस्कृति को आज भी ताजा बनाए हुए हैं। तो 4 बारी हमारी संस्कृति के अंदर नवीनता आई है, आइए उनके बारे में देखते हैं। इन चारों अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने संस्कृति की नींव डाली। तो हमारी संस्कृति कब शुरू हुई? जब आर्य हमारे देश में आए और द्रविड़ जाति के साथ उनकी संस्कृति मिल गई, जिससे हम हिंदू अथवा भारतीय संस्कृति कहते हैं। तो हिंदू धर्म हिंदू जाति का यहाँ से ही प्रारंभ हुआ। दूसरा अध्याय वह है जब यह संस्कृति कुछ पुरानी हो गई, जब हमारी संस्कृति थोड़ी पुरानी हो गई और इसके अंदर बहुत सारे अवसाद आ गए, बहुत सारे रूढ़ी आ गए। उन रूढ़ियों को दूर करने का काम किन्होंने किया? महात्मा बुद्ध और महावीर ने किया। तो इसकी वजह से ऐसी बहुत सारी रूढ़ीवादी चीजें हमारी संस्कृति से हटाई गई, जैसे कि सती प्रथा,
चाइल्ड मैरिज, इन सबको हटाया गया तो हमारी संस्कृति में एक नई नवीनता आई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप बहुत सी दुनिया दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह जब भारत की मिट्टी पर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। तो इस तरीके से हमारी संस्कृति दूसरों की संस्कृति से मिल मिलकर आज इतनी विशाल हो गई है कि दूसरे देश से अपने आईने की तरह देखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी इसमें हमारी संस्कृति का व्याख्यान करते हैं और बताते हैं कि भारत की संस्कृति कितनी महान और गौरवशाली है। तो इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों संस्कृतियों में सामंजस्य तथा धार्मिक सौहार्द के बारे में जानकारी देना। आइए बच्चों इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो ये एक निबंध है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर बच्चों एक OMR शीट दी गई है जिसके अंदर आपको सर्कल्स दिए गए हैं। इन सर्कल्स को आपको अच्छी तरह से भरना है काले रंग के या नीले रंग के पेन से। आपको इसमें किसी और तरीके का निशान नहीं बनाना है। तो देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न, संस्कृति की प्रगति के लिए क्या करना चाहिए? क्रोध पर संयम, सभी दुर्गुणों पर संयम, कला का विकास। तो इसके अंदर हमें ये सारे ही कार्य करने हैं। तो इसका उत्तर है डी। मनुष्य की असभ्यता की हालत किसे कहा गया है? जब उसे घर बनाना नहीं आता था, जब उसे खेती करना नहीं आता था, जब उसे कपड़ा बुनना नहीं आता था। तो ये तीनों ही बातें हैं, इसलिए ये सभी, इसमें भी हम डी वाला ही सर्कल करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति को कैसा गुण बताया है? भीतरी उन्नति का गुण। तो इसका उत्तर है अ पार्ट। तो यहाँ पे आप अ को सफल करेंगे। संस्कृति क्या है? धन है, हार्ड बाट, गुण, विनय और विनम्रता। तो संस्कृति क्या है? गुण, विनय और विनम्रता। तो इसलिए आप इसका सी पार्ट करेंगे सर्कल। इस लेख में संस्कृति के कितने अध्याय की बात की गई है बच्चों? इसमें चार अध्यायों की बात की गई है। तो यहाँ पर उत्तर होगा डी। इसको आप बी में सफल करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल पहन लेता था। आदमी ज्यो ज्यो आगे बढ़ाते हो तो वह सभ्य होता गया। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए ही पैदा करते हैं। तो आइए बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। सभ्यता क्या है? सभ्यता हमारी बाहरी तरक्की का काम है जो हमें सुख सुविधा से उपलब्ध कराती है। जो भी भोग विलास के सामान हम एकत्रित करते हैं वह हमारी सभ्यता को दर्शाता है। आदमी के भीतर यदि विकार ना हो तो क्या नहीं रह जाएगा? अगर इंसान के अंदर विकार ही नहीं होगा तो वह ईश्वर तुल्य हो जाएगा। संस्कृति का क्या स्वभाव है? संस्कृति का स्वभाव है दूसरे में विनम्रता, विनय तालानी। सड़कें, भवन और हथियार का विकास सही मानने में किसका विकास है? सभ्यता का विकास है। संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ। तो सब बम बनाना, हथियार बनाना, ये सब देश की सभ्यता को दर्शाता है। लेकिन उन हथियारों से क्या हो सकता है बच्चों? उन हथियारों से लोगों की हत्या होगी, रक्त बहेगा, तो इससे दूसरों को मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से हमारी संस्कृति कहती है कि हमें इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आदमी भी एक तरह का जानवर है, लेकिन पशुता को छोड़कर जितना ही आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति उतनी ही अच्छी हो जाती है। तो आदमी भी जानवरों की ही तरह होता है, लेकिन उसमें बुद्धि है, उसके हृदय में करुणा है, दया का भाव है, जो उसकी संस्कृति को ऊंचाई देती है और आदमी को जानवरों से पृथक कर देती है। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। संस्कृति, भारत की संस्कृति अत्यधिक विशाल और गौरवमयी है। सभ्यता, भारत की सभ्यता दूसरे देशों में भी जानी गई है। विनम्रता, हमें दूसरों के प्रति विनम्रता भाव रखना चाहिए। दुर्गुण, हमें अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दृष्टि, हमारी दृष्टि सदैव अच्छी रहनी चाहिए। त प्रत्यय जोड़कर आठ शब्दों की रचना कीजिए। तो बच्चों इसके अंदर हम कर सकते हैं मनुष्यता, मानवता, पशुता, सफलता, और दो आप अपने आप प्रयास करें।
इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तरक्की, तरक्की का समानार्थी है उन्नति। हासिल, हासिल को बोलेंगे हम प्राप्त। लाज, शर्म, इज्जत। हालत, हालत का हो जाएगा दशा। जरिया, द्वारा। तबीयत, तबीयत मतलब प्रकृति। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में।